नेक्स्ट मिस्ट्री शो फाइनली 100% कंफर्म हो चुका है, जिसके अंदर आप लोग को काफी ज्यादा लेजेंडरी धमाकेदार रिवॉर्ड देखने को मिलने वाला, जिसकी यहाँ पर 100% कंफर्म डेट निकल के आ चुकी है। ये हुई ना बात। साथ ही साथ आप लोग को आर्टिक ब्लू वाला बंडल देखने को मिलने वाला, जिसकी भी यहाँ पर कंफर्मेशन निकल के आ रही है। एंड गाइस, आप लोग को हमारे ओल्ड पुराने सारे के सारे लेजेंडरी इलाइट पास के बंडल भी फाइनली रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। यार क्या बात कर रहे। जी हाँ भाई और बहनों, फाइनली हमारे गेम के अंदर आप लोग को काफी सारे इंटरेस्टिंग इवेंट देखने को मिलने वाला, जिसको देख कि तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो बिना फोकट का टाइम पास की बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि निकल के आ रही हमारी न्यू फेडल व्हील को लेकर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, आप लोग को फेडल व्हील के अंदर कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलने वाला, जो कि आप लोग को विंटरलैंड इवेंट स्पेशल देखने को मिलने वाला। अब यार ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब यार ये बर्फ के गोले के अंदर से रड़कता हुआ आता है और भाई एकदम इसको फोड़ के एकदम मतलब सुपरमैन की तरह एंट्री मारता, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा मजेदार भी है। तो स्पेशली अपन को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है आप लोगों को एनिमेशन देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि यार ये कौन सी डेट को आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो गाइस आप लोगों को यार ये 16 तारीख को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप लोगों को लेट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को विंटर का जो इवेंट स्टार्ट होने वाला है वो आप लोगों को 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो यार 16 तारीख को यार ये आप लोगों को न्यू एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को फेडरल वेल्व के अंदर देखने को मिलने वाला है। रे बाबू मुझे। एंड गाइस आप लोगों को आर्टिक ब्लू वाले बंडल भी रिटर्न देखने को मिलने वाला, क्योंकि उसी के थीम के ऊपर 2-3 और बंडल निकल के आ चुके। तो उसके साथ ही साथ आप लोग को ओल्ड आर्टिक ब्लू के साथ ही साथ पुराने या फिर कहलो के नए बंडल भी देखने को मिलने वाले। सो देख सकते हो, फर्स्ट में आप लोग को ये वाला रेड वाला देखने को मिलने वाला, जो कि काफी ज्यादा आप लोग को प्यारा देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा रेयर आप लोग को ये वाला बंडल देखने को मिलता है। तो यार ये दो बंडल देखने को मिलने वाला, उसके बाद यार ये आप लोग को ब्रांड न्यू है, इसी के थीम के ऊपर है और इसी से मिलता जुलता यहाँ पर इसके ऊपर देखने को मिलने वाला है। सो यार इस वाले बंडल के नए बंडल के साथ ही साथ आप लोग को जो पुराने ओल्ड आर्टिक ब्लू वाले बंडल है वो भी देखने को मिलने वाला है। और ये बंडल लिटरली काफी ज्यादा लेजेंड है। और ये आप लोग देखो यार, ये जो हमारा आर्टिक ब्लू वाला बंडल है ना, उसके जैसे सेम टू सेम देखने को मिलता है। सो यार ये उसी के थीम के ऊपर है और उसी के थीम के ऊपर डेडिकेट किया गया। तो यार ये बंडल इसी तरीके से आप लोग को चार रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, मतलब चार बंडल एक रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। मेरे को तो काफी ज्यादा मस्त लगा। अब यार ये बंडल काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी अपना जो अभी हाल फिलहाल में अपडेट आया था उसी अपडेट का है, लेकिन भाई इसको अभी तक रिलीज नहीं किया। तो यार ये आप लोग को कभी भी देखने को मिल सकता है। अब इसकी डेट जैसे भी कंफर्म निकल के आएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन हाँ आप लोग का ये दिसंबर मंथ के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब थोड़े दिन और रुक जाओ, जैसे भी इसका डेट 100% कंफर्म पता चलेगा मेरे को, वैसा का वैसा सबसे पहले सबसे फास्ट तुम्हारा भाई तुमको बता देगा यार। एंड इसके बाद आप लोग को खतरनाक धमाकेदार वाले हमारे कुछ इस तरीके से ओल्ड लाइट पास के सारे बंडल देखने को मिलने वाले, जो कि सीजन 1 से लेकर सीजन 5 के बंडल आप लोग को देखने को मिलने वाले, जो कि यार ये लास्ट टाइम पे आप लोग को 2023 के अंदर जनवरी मंथ के अंदर देखने को मिले थे। तो मतलब लगभग इसको 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो यार ये आप लोग को अब देखने को मिलने वाला है। मतलब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, 2023 निकल गया, 24 निकल गया, और भाई आप लोग को पता है कि एक महीने बाद तो आप लोग को 25 देखने को मिल जाएगा। तो यार ये सारे के सारे बंडल है, जो कि यार रेयर बंडल है और भाई आप लोग को पता है कि काफी ज्यादा खतरनाक बंडल है। सीजन 1 और सीजन 2 के बंडल भाई मतलब इनके बराबरी में कोई बंडल नहीं है अभी के टाइम पे। तो यार ये दो बंडल आप लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर कंफर्मेशन निकल के आ चुके। तो आप लोग देख सकते हो यार ये कुछ इस तरीके से इलाइट पास की सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छे खासे आप लोग को बंडल देखने को मिलते हैं। सो यार ये आप लोग को कब देखने को मिलेगा, तो यार ये वापस से आप लोग को 2025 में देखने को मिलेगा, मतलब आप लोग को नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा। यार ये पहले भी आप लोग को 2023 न्यू ईयर इवेंट के अंदर देखने को मिला था और वापस से आप लोग को यार ये न्यू ईयर इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाला। तो यार अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो भाई आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि फाइनली कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लोग को सारे के सारे लेजेंडरी बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि यार मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया यार इसको देख के, क्योंकि यार लास्ट टाइम पे मैं निकाल नहीं पाया था। तो यार इस टाइम पे तो भाई मैं मौका नहीं गवाने वाला हूं, क्योंकि आप लोग को पता कि सकुरा बंडल और ये काफी खतरनाक बंडल है। तो यार ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लीक निकल के आई थी, जो कि मैंने सबसे पहले सबसे फास्ट अपने भाई लोगों को बता दी है यार। एंड भाई लोग अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्काउंट इवेंट को लेकर, यानी कि अपन के मिस्ट्री शॉप को लेकर, कि अपन को मिस्ट्री शॉप कब देखने को मिलने वाला, कौन सी तारीख, कौन सी तिथि, कौन सी डेट को आप लोग को देखने को मिलने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो यार ये कुछ इस तरीके से मिस्ट्री शॉप निकल के आ चुका है, जिसके अंदर आप लोग को अच्छे खासे रिवॉर्ड देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप लोग को पता है कि यार फ्री फायर अभी के टाइम पे मिस्ट्री शॉप काफी ज्यादा यहाँ पर रिकमेंडेशन कर रहा है और काफी ज्यादा यहाँ पर आप लोग को मिस्ट्री शॉप ही देखने को मिलता है। तो यार ये कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, ये आप लोग को मिस्ट्री शॉप देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लोग को अच्छे खासे रिवॉर्ड देखने को मिल जाते हैं। मिस्ट्री शॉप का मतलब तो आप लोग को पता है कि यार अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, अच्छे खासे लेजेंडरी लेजेंडरी इसके अंदर से बंडल से लेकर आप लोग को सारी के सारी चीजें देखने को मिल जाती है। और स्पेशली मेरे को तो भाई इसके अंदर से एवोल्यूशन गन पे टोकन के डिस्काउंट मिलते तो वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो यार कुछ
इस तरीके से आप लोग को मिस्ट्री शॉप देखने को मिल सकता है। अब मिल सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यार इसकी कंफर्मेशन 100% कंफर्म निकल के नहीं आई है कि यार ये आप लोग को देखने को मिलने वाला है। इसकी जगह भाई लोग यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप लोग को लकी विल इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके यहाँ पर 100% कंफर्म निकल के आ चुके हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि लकी विल इवेंट कब देखने को मिला था, लास्ट टाइम आप लोग को अगस्त मंथ के अंदर देखने को मिला था, तो कम से कम यहाँ पर 3 से 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो फाइनली आप लोग को यार ये 11 तारीख के आसपास यार कुछ इस तरीके से लकी विल इवेंट देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत इसके अंदर रिवॉर्ड चेंज हो सकते हैं क्योंकि यार जो मैं रिवॉर्ड बता रहा हूँ ये अभी 100% कंफर्म देखने को नहीं मिलने वाले, तो यार ये आप लोग को डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा। और जो मैंने आप लोग को मिस्ट्री शॉप बताया था वो आप लोग को जनवरी मंथ के अंदर देखने को मिलेगा कुल मिला के। तो दोनों मंथ के डिस्काउंट इवेंट मैंने आप लोग को बता दिया कि दिसंबर मंथ के अंदर आप लोग को यार ये लकी विल इवेंट देखने को मिलेगा जो कि आप लोग को 11 तारीख को देखने को मिलेगा, और आप लोग को जो मिस्ट्री शॉप है वो जनवरी मंथ के अंदर देखने को मिलेगा, और जनवरी मंथ के अंदर आप लोग को वो 12 तारीख को देखने को मिलेगा। जी हां गाइस, 11 और 12 तारीख को देखने को मिलेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो आप लोग यार ये लकी विल इवेंट देखने को मिल रहा है ना, ये आप लोग को नेक्स्ट डिस्काउंट इवेंट है जो कि आप लोग को 11 तारीख को देखने को मिलने वाला, जिसकी 100% कंफर्म लिंक निकल के आ चुकी है जो कि तुम्हारे भाई ने सबसे पहले सबसे फास्ट तुमको बता दी है। बाबू मुझे तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखा देना मेरे भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा वाला बाय बाय।